इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 6 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है न्यूज हेडक्वार्टर का, यानी दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों को सीधे न्यूज रूम से आपके सामने रखने का। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर प्रियंका गांधी को लेकर। लखनऊ में है प्रियंका गांधी और वहां पर जब वो सदफ जफर के घर जा रही थी, जिन्हें लखनऊ में हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो उस दौरान पुलिस ने उन्हें रोका। पहले से ही लखनऊ दौरा तय था और इस दौरे के दौरान इस बात को लेकर कयास थे कि बहुत मुमकिन है कि जो हिंसा से पीड़ित परिजन हैं और जिन पर कार्रवाई हो रही पुलिस की ओर से, उनके घर जा सकती है प्रियंका गांधी, उनसे मुलाकात कर सकती है। और इसी के मद्देनजर पुलिस पहले से अलर्ट थी और प्रियंका गांधी को रोका गया है जब वो सदफ जफर के घर जा रही थी। सदफ जफर को लखनऊ में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में परिवर्तन चौक पर आज जारी हुई थी। मीडिया की गाड़ियों को जलाया गया था और अब कार्रवाई कर रही है पुलिस। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अरविंद, प्रियंका गांधी का लखनऊ दौरा और पहले से इस बात को लेकर कयास थे कि जो हिंसा के आरोप में जिन पर कार्रवाई हो रही है उनके घर जा सकती है, इसीलिए पुलिस पहले से अलर्ट थी और प्रियंका गांधी को रोका गया। देखिए राकेश, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी का ऐसा पहले कार्यक्रम नहीं था, लेकिन इसकी एक कार्यकर्ता जो है काफी दिनों से जेल में बंद थी और जब कार्यक्रम खत्म हो गया उसके बाद प्रियंका गांधी ने कोशिश की उनके घर जाने की। उसी बीच में पुलिस पहले से तैयार थी और पुलिस ने उनको मुंशी पुलिया के पास जो है उनकी गाड़ी को रोक दिया। इस बीच में प्रियंका गांधी ने बहुत सारे सवाल पूछे और ये भी कहा कि आखिर आप लोगों ने क्यों रोका है, तो इसका फिलहाल पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। फिलहाल प्रियंका गांधी को रोक दिया गया। ठीक है अरविंद, हमसे जुड़ने के लिए पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ में मुंशी पुलिया के पास रोका गया प्रियंका गांधी और उनके काफिले को जब वो सदफ जफर के घर जा रही थी। सदफ जफर, जिन्हें लखनऊ में हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया था।